आईडी टीवी प्रेजेंट अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत द्वारा अन्य वर्षों की भांति शहीद स्मारक रमेश नगर प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रांगण में क्रांतिकारियों के वंशजों को नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद मीनाक्षी लेखी जाग उठा है भारत के संयोजक ललित सुमन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ भारत माता की मूर्ति जहाँ प्रदान किया गया वहीं सुबह निगम पार्षद बीना वर्मानी के निवास से तिरंगा यात्रा निकाला गया जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग शामिल हुए। महाराणा प्रताप के वंशज विजय सिसोदिया, तात्या टोपे के वंशज डॉक्टर राजेश टोपे, बहादुर शाह जफर के वंशज मोहम्मद शुएब खान, आजाद फौज कैप्टन फूल सिंह के वंशज देशपाल राघव, शमशेर सिंह राणा केंद्रीय गृह मंत्री के डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा, सीनियर आईपीएस डॉक्टर आलोक कुमार, जय हिंद मंच के सुरेश शर्मा, दीनदयाल उपाध्याय के वंशज विनोद शुक्ला, भगत सिंह मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजय तिवारी, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर के अध्यक्ष दिनेश तवर, महासचिव डॉक्टर महेश कुमार, सचिव सुनील तवर, महान अहिंसावादी डॉक्टर महेश गांधी बापू, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, विमल भयाना, निगम पार्षद बीना वर्मानी सहित सैकड़ों गणमान्य हस्ती उपस्थित थे। भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का जहां समापन हुआ वहीं हेल्थ चेकअप कैंप में 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य जांच MIW फेडरेशन द्वारा कराया गया। पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू ने सभी धार्मिक अदब व एहतराम को मद्देनजर रखते हुए दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी के लिए निगम के गाजीपुर पशुवध गृह की सुविधा का इस्तेमाल करें। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी क्योंकि सोमवार को कोर्ट बंद है। रामलला विराजमान की दलीलें जारी रहेंगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड योजना का शुक्रवार को शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब से ही बौखलाया पाकिस्तान, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं दे रहा है। पहले व्यापारिक साझेदारी तोड़ने की घोषणा के बाद अब थार एक्सप्रेस का भी परिचालन पाकिस्तान ने रोक दिया है। उन्नाव रेप केस की सुनवाई दिल्ली की 30,000 कोर्ट में हुई जहां शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय किया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात अपराधी गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास 3 लग्जरी कार और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर को क्रमशः दिल्ली एवं हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने आज जसपाल कौर पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति के गानों पर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राएं और शिक्षक उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। जम्मू जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने जानकारी दी है कि जम्मू नगर पालिका क्षेत्र से धारा 144 हटाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कल से जिले के स्कूल कॉलेज खुलेंगे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है।
वैसे तो हर साल नेशनल अवार्ड विनर्स का ऐलान अप्रैल में किया जाता था, लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आयुष्मान खुराना और तब्बू स्टारर अंधाधुन को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए कल तक।